हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग साइंस के फर्स्ट चैप्टर में जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन जो हम लोग कवर करने वाले हैं वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक, तो अब हम इन रिएक्शंस को एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो बात करते हैं अब फर्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन की, जो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो इस रिएक्शन की डेफिनेशन के हिसाब से, अ रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट इज टर्म्ड एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो एक ऐसी रिएक्शन जिसमें हम दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स को कंबाइन करते हैं ताकि वो आपस में मिलके एक नया प्रोडक्ट बनाए, ठीक, तो उसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो अगर हम एक जनरल एग्जांपल लें, तो अगर हमारे पास ए एक रिएक्टेंट है और बी दूसरा रिएक्टेंट है, तो हमने इन दोनों को कंबाइन किया और इन दोनों के कंबाइन होने से एक नया प्रोडक्ट बना, जो बना ए बी, ठीक। तो दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स को कंबाइन करके सिर्फ एक प्रोडक्ट जिसमें बनता है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है। तो इसका अगर एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लें तो सी प्लस ओ टू गिव्स सी ओ टू। तो यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया, ठीक है। तो अब बात करते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन की। तो इस रिएक्शन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन टू फॉर्म टू और मोर प्रोडक्ट्स इज टर्म्ड एज डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। तो इसके डेफिनेशन के हिसाब से, अगर कोई भी एक सब्सटेंस ब्रेक होके दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस में चेंज हो जाता है, या एक रिएक्टेंट ब्रेक होके दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाता है, तो ऐसी रिएक्शन को हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक। तो एक अगर जनरल एग्जांपल ले, तो यहाँ पे ए बी हमने एक रिएक्टेंट लिया है और ये रिएक्टेंट टूट के ए और बी दो प्रोडक्ट्स में चेंज हो गया, ठीक। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो होती है वो अलग अलग मीडियम की प्रेजेंस में होती है, जैसे हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी। तो हम उन तीनों का एक एक एग्जांपल लेके इसमें डिस्कस करेंगे। तो जो इसमें पहला टाइप होता है वो होता है थर्मल डीकम्पोजिशन, ठीक है। थर्मल मतलब होता है टेम्परेचर, टेम्परेचर मतलब हीट, ठीक है। तो कोई भी रिएक्शन जो हीट की प्रेजेंस में डीकम्पोज हो जाए उसको हम थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है, अगर उसको हम हीट प्रोवाइड कर दें तो वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक हो जाएगा, ठीक। तो दूसरे टाइप का जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन होता है वो होता है इलेक्ट्रिक डीकम्पोजिशन, ठीक है। तो किसी भी रिएक्शन में अगर हम किसी रिएक्टेंट को करंट प्रोवाइड करवा दें और वो ब्रेक डाउन हो जाए दो प्रोडक्ट्स में, तो ऐसी रिएक्शन को हम इलेक्ट्रिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पे वॉटर, हमारे पास एक रिएक्टेंट है, इसमें करंट पास करवाया और ये वाटर ब्रेक डाउन हो गया हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। तो अगली टाइप की जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है वो होती है फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। तो एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट सनलाइट की प्रेजेंस में दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स में चेंज हो जाए उसको हम फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए हमारे पास यहाँ पे एक रिएक्टेंट था सिल्वर क्लोराइड, उसको हमने सनलाइट प्रोवाइड करवाई और वो ब्रेक डाउन हो गया सिल्वर में और क्लोरीन में, ठीक। तो एक रिएक्टेंट ब्रेक डाउन हो गया दो प्रोडक्ट्स में, तो है ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन ही, लेकिन फोटोकेमिकल इसलिए बोल रहे हैं इसको क्योंकि ये सनलाइट की प्रेजेंस में हो रही है, ठीक। तो ये सारे के सारे जो थे वो सारे डीकम्पोजिशन रिएक्शन ही थे, लेकिन वो किसी पर्टिकुलर चीज की प्रेजेंस में होने के कारण उनको एक पर्टिकुलर नाम दिया गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप की रिएक्शन की, जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो इसके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, अ रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें एक ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट यानी ज्यादा पावरफुल एलिमेंट एक कम पावरफुल एलिमेंट को उसके कंपाउंड से अलग करके खुद उसकी जगह ले ले, उसको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। तो अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जांपल की।
तो अगर हम जिंक को कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो जिंक जो है कॉपर को उसके कंपाउंड में से अलग कर देता है और खुद उसकी जगह ले लेता है। ठीक, तो यहाँ पे जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस करके उसकी जगह ले ली और खुद बना लिया जिंक सल्फेट और कॉपर अलग हो गया। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की, जो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अ रिएक्शन इन विच न्यू कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द कंपाउंड्स। ठीक है, तो कोई एक ऐसी रिएक्शन जिसमें पहले से हमारे पास कंपाउंड्स हैं और वो आपस में आयंस एक्सचेंज करके नए कंपाउंड्स बना रहे हों, तो ऐसी रिएक्शन को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। तो एग्जांपल के लिए हमारे पास सोडियम सल्फेट है एक कंपाउंड और दूसरा है बेरियम क्लोराइड दूसरा कंपाउंड। इन दोनों कंपाउंड्स को हमने रिएक्ट कराया तो इन्होंने आपस में अपने आयंस चेंज कर लिए। ठीक है, वो सोडियम सल्फेट का जो सल्फेट है वो चला गया, डिस्प्लेस हो गया बेरियम के साथ, और जो क्लोरीन था बेरियम क्लोराइड के साथ का वो चला गया सोडियम के साथ। ठीक है, तो अब ये एक्सचेंज होके ये बन गया सोडियम क्लोराइड और ये एक्सचेंज होके बन गया बेरियम सल्फेट। ठीक, अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन की, जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो इस रिएक्शन की डेफिनेशन के हिसाब से द रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज रिलीज एज वन ऑफ इट्स प्रोडक्ट इज टर्म्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो कोई भी ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें हमें प्रोडक्ट तो मिलते हैं साथ में हीट एनर्जी भी रिलीज होती हो उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल के लिए हम क्विक लाइम को वाटर में डाल दें। ठीक है, क्विक लाइम जो होता है हमारा चूना होता है उसको अगर हम पानी में डाल दें तो बनता है स्लेक लाइम और साथ में हीट एनर्जी रिलीज होती है। तो चूने को जैसे ही पानी में डालते हैं तो क्या होता है उसमें से हीट निकलती हुई पता लगती है हमें। तो आप बात करते हैं नेक्स्ट टाइप के रिएक्शन की, जो है एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो इसके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग द रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज यूज्ड टू फॉर्म न्यू प्रोडक्ट्स इज टर्म्ड एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, वो एक ऐसी रिएक्शन जिसमें हमें नए प्रोडक्ट्स बनाने के लिए रिएक्टेंट को हीट देनी पड़े ताकि नए प्रोडक्ट्स बने, तो ऐसी रिएक्शन को हम एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए हमारे पास मरकुरी ऑक्साइड है, अगर हम इसको हीट प्रोवाइड करेंगे तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगा मरकुरी में और ऑक्सीजन में। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इस रिएक्शन में हीट प्रोवाइड करवाई है एक रिएक्टेंट को ताकि वो अलग प्रोडक्ट्स में टूट जाए। ठीक, तो एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन को याद रखने के लिए हम ऐसे भी याद रख सकते हैं, जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है उसमें वर्ड होता है एक्सो, जिससे फील आती है एग्जिट की, एक्सो वर्ड से फील आती है एग्जिट की, तो यानी जिसमें हीट एनर्जी एग्जिट हो रही हो यानी रिलीज हो रही हो, तो वो हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया। वो इसी टाइप से एंडोथर्मिक जो रिएक्शन है उसमें जो वर्ड है एंडो, तो एंडो वर्ड से फील आती है इंडोर की। ठीक है, तो इंडोर मतलब अंदर, यानी जिसमें हमें हीट एनर्जी देनी पड़े, ऐसी रिएक्शन को हम एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। ठीक, तो अभी तक हमने जो चीजें डिस्कस करी हैं इसमें शायद कई ऐसी टर्म्स होंगी जो आपको समझ ही नहीं आए होंगे, तो उन टर्म्स को समझने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाएं और बेसिक्स ऑफ साइंस में खूब सारे हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बात करी है, वहां जाके उस वीडियो को देखें जो भी चीजें आप टर्म्स आपको समझ में नहीं आई हो, और फिर इस वीडियो को देखें तो आपको चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। तो अगर ये पसंद आया हो आपको तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें, सब्सक्राइब भी करें। कीप सपोर्टिंग एंड थैंक यू सो मच।